हेलो वांशु लवर्स एंड ईचा लवर्स। तो चलिए आज के पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि हमारा वांगची बहुत जल्दी में कहीं जा रहा था और हमारे शुयांग को बहुत ही ज़्यादा चिंता थी उसकी। बट यहाँ से हमारा फ्लैशबैक ओवर हो चुका है और अब हम लोग प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहाँ हमारा प्यारा सा विंग अपनी लंजा को ऑब्जर्व कर रहा था, देख रहा था। विंग उसे बहुत ही प्यार से देख रहा था, उसकी नज़रों में उसके लिए कोई भी बहुत आराम से प्यार देख सकता था। बट जैसे वो बातें करता था, जैसे उसके एक्शंस थे, फांगची को तो लगता था कि विंग उसे सबसे ज़्यादा नफरत करता है। और फांगची को लगता है कि उसे करनी भी चाहिए क्योंकि उसने विंग को धोखा दिया। बट विंग ऐसा नहीं सोचता। विंग अपने मन में यहाँ से उसका पॉइंट ऑफ व्यू स्टार्ट होता है, जब उसने पहली बार हमारे लंजा को देखा था। वो शियान तब सोचता है, पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा, जब फील करना चाहा, जब आँखें खोलने से पहले मुझे बहुत पेन था मेरी बॉडी में, शायद से उस पॉइजन की वजह से था। बट जब मैंने फील किया कि मेरे पास बहुत ही वॉर्म्थ मुझे फील हो रही है, मानो कोई पर्सन मुझे टाइटली हग किए हुए वहीं मेरे पास लेटा हुआ है, मुझे बहुत अजीब लगा क्योंकि इससे पहले मेरी मम्मा के अलावा कोई भी ऐसे एक्ट नहीं किया था, किसी के पास भी मेरे लिए समय नहीं था कि वो मुझे टाइटली हग करके मुझे प्यार करे, कभी नहीं था। मेरी मम्मा थी जो हमेशा मेरे साथ सोती थी, मेरे डैडा थे, बट उन दोनों के जाने के बाद कभी कभी सीजी मेरे कमरे में आती थी, मेरी प्यारी छोटी सी बहन याली, और कभी कभी मेरा नोटी सा भाई भी आता था, बट कभी उन्होंने ऐसे एक्ट नहीं किया। तो ये पर्सन कौन है? विशियान को बहुत दर्द हो रहा था अपनी आँखें खोलने में, बट फिर भी वो धीरे धीरे अपनी आँखें ओपन करता है। और तब जब मैंने अपनी आँखें ओपन की, मेरे सामने वो स्लीपिंग ब्यूटी था, उसकी वो प्यारी सी लिप्स, वो प्यारी सी आँखें, वो ब्यूटीफुल सी, उसकी वो सुंदर सी नाक, छोटी सी क्यूट सी, उसके वो प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर गाल, एकदम चबी चीक्स, वो सब कुछ मुझे दीवाना बना रही थी। वो एंजल था, सच में एंजल था, जो मानो हेवन से मेरे लिए आया था। ये बहुत ही शॉकिंग था मेरे लिए क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया ये कौन था। बट उसकी वहाँ प्रेजेंस मुझे काम डाउन कर रही थी। अब मैं वापस से सो गया। उठने के बाद मुझे पता चला कि वह गुस्से के प्रिंस थे और उन्होंने ऐसा क्यों किया। मुझे थोड़ा बुरा लगा, बट मैं हमेशा की तरह कूल था। मेरा बिहेवियर मेरे अपनों के अलावा, मेरे फैमिली के अलावा बाकी सबके लिए कूल था। मैंने सेम उसके लिए भी किया, बट कहीं ना कहीं उसकी आँखों में मैंने दर्द फील किया। मुझे पता नहीं था कि आखिर उसे पेन क्यों हो रहा है, इसलिए कि मैंने उसे ऐसी बातें की क्या क्या था, क्योंकि मुझे तो दर्द हो रहा था, शायद से फर्स्ट साइड लव हो गया था उससे, और उसे ऐसे डांट कर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसके वहाँ से जाने के बाद ही मेरे कहने के अगले दिन ही उसका पर्सनल बॉडीगार्ड आया और उसे लेकर गया। मुझे बहुत बुरा लगा ये जानकर कि उसे इतनी जल्दी वो चला गया। और फिर उसके बाद एक मैसेज आया कि गुस्से पे अटैक हो गया है। मुझे डर था कि कहीं उस एंजल को कुछ हो ना जाए। मैं उसे बचाने के लिए गया भी था और शायद से बचाया भी, या शायद से नहीं, पता नहीं, क्योंकि मेरी या उसकी मुलाकात ही नहीं हुई। वहाँ से मैं वापस आ गया और उसके बाद मैंने जिस तरीके से गुस्से के लिए एक स्पेशल केयर दिखाई थी, मेरी मम्मा को लगा, मैडम यू को लगा, मेरी स्टेप मदर को लगा कि मुझे उनके गुस्से प्रिंस में इंटरेस्ट है। हालांकि हम लानुआन से काफ़ी बार मिले हैं, आपस में अक्सर बातें होती थी, आखिर हम दोनों ही लीडर्स थे तो अक्सर बातें होती थी, तो मम्मा को लगा कि शायद से मुझे उसकी क्लैन लीडर में इंटरेस्ट है, तो मेरा रेड स्कूल वहाँ भेज दिया गया। और स्पेशली मुझे लगा नहीं था कि वहाँ से कोई रिप्लाई आएगा, बट चिरान ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। मैं हैरान था और
मैं यहाँ फंस गया क्योंकि ये स्क्रोल मम्मा ने भेजा था, तो मैं कह भी नहीं सकता था कि मैं लैंडमान से शादी नहीं करना चाहता। मैं उसके छोटे भाई से करना चाहता हूँ, बट मैं कैसे कहता। बांगजी मुझसे 6 साल छोटा था और लैंडमान मुझसे 2 साल छोटा। लैंडमान समझदार था, मेच्योर था, एक क्लैन का लीडर था। वो मेरे एम्प्रेस बनने के लिए परफेक्ट था, बट बांगजी नहीं। वो भी छोटा था, वो अभी तक प्रॉपरली 18 का भी नहीं हुआ था, और एक तो 6 साल में मुझसे छोटा है, इनोसेंट है, और सबसे ज़रूरी बात, वो बोल भी नहीं सकता है। इसीलिए अगर मैं कहता भी मम्मा से, तो वो कभी इसके लिए राज़ी नहीं होती। मुझे कभी फ़र्क नहीं पड़ा कि वो बोल नहीं सकता है, क्योंकि शायद से उसकी आँखें उससे ज़्यादा बातें करती हैं। मैं हमेशा से उसकी आँखें पढ़ना जानता, या कह लो उसके एक्शंस मैं रीड कर सकता हूँ। मेरी मम्मा के साथ भी ऐसा ही था। अपने मरने से पहले वो कुछ समय के लिए बोल नहीं पाई थी, तो हम बच्चों ने उनकी बातें करने के लिए इसे सीखा था। इसलिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर मेरी वाइफ कभी बोल भी ना पाए, बट मम्मा उसके लिए एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि मैं किंग हूँ और मेरी वाइफ को प्रॉपर होना होगा, इस स्टेट को मेरे साथ संभालना होगा, और इसलिए लैंडमान उसके लिए परफेक्ट है। मैं मना नहीं कर पाया क्योंकि मेरी मदर ने भले मुझे इतना प्यार नहीं दिया, बट मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। वो मेरी फादर की सेकेंड वाइफ है और मेरी मदर है, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैं चुपचाप जो हो रहा था उसे होने दिया। जिस दिन मैंने शादी के लिए अपने कपड़े देखे थे, मुझे बहुत दर्द हुआ अपने दिल में। मुझे पता था कि प्यार हो गया है उससे, भांगजी से प्यार है, और मैं कभी भी उसके अलावा किसी और को अपने दिल में जगह नहीं दे पाऊँगा। फर्स्ट साइट लव था उससे, और लैंडमान से मैं क्या कहता, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। वो उसका बड़ा भाई है, मैं कैसे उसे कहता कि मैं तुम्हारे छोटे भाई से प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है, ये शादी केवल एक नाम की है। मैं क्या कहता, मेरे दिल में बहुत सारा पेन था, बट मैंने चुपचाप वो रूप्स पहन लिए और वहाँ मैरिज हॉल में पहुँच गया। जब मैंने लैंडमान को देखा तो मुझे उसकी ओमेगा सेंट थोड़ी वियर्ड लगी, मानो ये सेंट मैंने फील किया है कहीं, ये बहुत ही अजीब था। बट मैंने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरे दिल में खुद ही बहुत बड़ी वॉर चल रही थी। हम दोनों ने चुपचाप शादी कर ली, और वहाँ से मुझे लगा कि वो लैंडमान था, और इसलिए मैंने चुपचाप उसे भेज दिया कमरे में। मैं जानता था कि मैं उसके साथ कुछ भी नहीं करूँगा, कभी भी नहीं करता, और कभी कर भी नहीं सकता था। मैं बहुत ही ज़्यादा पेन में था, और मैंने इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था। और जब मैं वहाँ कमरे में गया तो मुझे लगा कि वो भांगजी है, बट वो सच में भांगजी था। मैंने ये सोचा भी नहीं था, और मैंने उसके साथ फोर्सफुल होने की कोशिश की। वो तो अच्छा है उस शौजान का कि उसने सही टाइम पे आकर रोक दिया। मुझे नहीं पता वो मेरा भाई है या नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या वो मेरा ट्विन ब्रदर है, बट मैं बहुत ज़्यादा उसका ग्रेटफुल हूँ कि उसने टाइम पे आकर मुझे स्टॉप कर दिया। पर आज मैं गांधी की आंखों में अपने लिए जो रिस्पेक्ट देखता हूँ, बेशक उसके दिल में मेरे लिए प्यार हो या ना हो, बट वो रिस्पेक्ट करता है मेरी, और जैसी इनोसेंस है। अगर मैंने उस दिन कुछ भी किया होता तो शायद से वो खो जाती। उसकी आंखों में अपने लिए डर देखता, नफरत भी देखता, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो शान के दिल में बहुत सारी बातें चल रही थी, और ये सब कुछ वो सोच रहा था, और कंटिन्यूसली बस हमारे भांजी को देख रहा था। उसका ध्यान भी नहीं था, बस वो अपने मन में बहुत सारी बातें सोच रहा था। और तब दो पे कोई आता है, विशियान कहता है कौन है। तब यांग अंदर आते हुए कहता है तुम्हारा दोस्त। विशियान धीरे से उठने की कोशिश करता है, बट यांग कहता है चुपचाप लेटे रहो वरना मैं तुम्हें पीट डालूंगा अभी यहीं पे, समझे। हालत ठीक है नहीं, पर बैठने की कोशिश जरूर करेंगे। विशियान कहता है बताओ क्या करने आए हो। तो फिर यांग कहता है क्या मैंने तुम्हारी एडमायरेशन में थोड़ी दिक्कत कर दी, ट्रबल क्रिएट कर दिया क्या, क्या कह रहे हो। मैंने देखा कि तुम अपनी वाइफ को बहुत प्यार से, बहुत केयर के साथ एडमायर कर रहे थे, तो मुझे लगा कि अभी मुझे रोकना चाहिए, वरना अगर तुमने कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो बहुत गलत हो जाएगा। तो शियान कहता है क्या दिमाग ख़राब हो गया, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा।
मैं बस कुछ सोच रहा था। हाँ, उसके पास्ट के बारे में शायद सोच रही थी जब तुम पहली बार उससे मिले थे और कैसे तुम्हें प्यार हो गया था, लव एट फर्स्ट साइट। यांग को हमेशा से पता था कि बुशियान के दिल में क्या है। बुशियान कहता है, आखिर हर बार तुम कैसे सही बता देते हो। हाँ, यांग कहता है, बचपन से झेल रहा हूँ तुम्हें, बताऊँगा नहीं क्या। बुशियान कहते, तुम तो ऐसे बातें करो जैसे लग रहा है कि तुम्हें बहुत ही कष्ट हो रहा है। ऑफकोर्स मुझे कष्ट हो रहा है, बताओ उसने लव कन्फेस किया या नहीं। बुशियान कहता, पागल हो क्या। हाँ, उससे इतनी प्यारी प्यारी बातें करना है, उसे बातें करनी चाहिए, तो तुम उसे डांटते हो और उसके साथ कैसे बिहेव करते हो। बुशियान कहता है, क्या करूँ, पता नहीं क्यों जब भी वो मेरे सामने आता है, अपनी आँखों से मुझे देखता है ना, मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाता हूँ और उसकी वजह से मैं उसे डांट देता हूँ या बहुत रूड बातें करता हूँ उसके साथ। यांग कहता है, आज तक तुम कभी भी नर्वस फील नहीं किए, ना किसी युद्ध में, ना कभी किसी चीज़ में, बट उसकी आँखों की वजह से तुम नर्वस फील करते हो। हाय, प्यार में क्या ताकत होती है। शियान कहता है, जब तुम्हें होगा ना तब पता चलेगा। वैसे शादी करोगे या हमेशा कुंवारे ही रहने का विचार है। यांग कहता है, पहले राजा जी तो कर ले, और वैसे भी हमारा क्या है, हमारे पीछे तो लड़कियां पागल ही हैं, कोई भी मिल जाएगी। रशियान कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, वैसे तुम यहाँ करने के आए हो। यांग कहता है, ऑफकोर्स तुमसे तुम्हें पकाने आया हूँ, वो क्या है ना, मेरे मुझे सब डरता है, सेनापति हूँ, बट एक तुम ही हो जिससे मैं फ्रीली बातें कर सकता हूँ और मेरी हर बकवास को सुनने के लिए तुम मजबूर हो, तो इसलिए तुम्हें पकाने आया हूँ। वींग कहता है, वाह, अपने दोस्त की हालत देखी है। खुशी तब यांग कहता है, ऑफकोर्स इससे ये तो बेटर ही है ना, मेरी बातें से तुम्हारा ध्यान भटका रहेगा, तुम्हें कम पेन होगा। नहीं, मेरा सर में दर्द हो जाएगा, ऐसा कर तुम जाओ और जान के पास रहो, उसका ध्यान रखो। ओहो, वो लड़का ना, क्या किया उसने, उसकी रिकवरी रेट इतनी स्लो कैसे हो सकती है। मतलब मुझे लगता है, हाँ मुझे पता है कि उसके पास गोल्डन कोड नहीं है, बट उसकी रिकवरी बहुत ही ज़्यादा स्लो है। मुझे डर है कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए, अगर उसे पता है उसके पास गोल्डन कोड नहीं है और उसने इतनी भारी भारी कोड़े खाए हैं, मुझे डर है कि उसे कुछ हो गया तो तुम्हारी मदर वहाँ ऊपर से देखकर मुझे बहुत ही कर्स करेंगे कि मैंने उनके बच्चों का ध्यान नहीं रखा। शियान कहता है, अब ना ओवर ड्रामा मत करो, बताओ क्या हुआ। उसकी रिकवरी सच में लेट है, बहुत ही स्लो है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तो बुशियान कहता है, धीरे धीरे अपनी एनर्जी को उसमें ट्रांसफ़र करो, हो सकता है कंडीशन बेटर हो। यांग कहता है, हाँ ये आइडिया बेटर है, मैं करूँगा। और यहाँ से एक हफ्ते का टाइम स्किप करते हैं और इस एक हफ्ते में हमारी बुशियान और यांग के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं, क्योंकि वांग जी सो रहा था, मींस अनकॉन्शियस था, अभी तक होश में नहीं आया था, तो उसकी बातें सुनने की तो कोई चांस नहीं थी। और बुशियान बोर ही होता था, तो यांग की बोरिंग ही बातें से, बट उसे बातें अच्छी लगती थी, तो वो दोनों काफ़ी बातें करते थे घंटों बैठकर। और बातें करने के बाद, खाना खाने के बाद, मेडिसिन लेने के बाद बुशियान सो जाता था। तो वैसे ही एक हफ्ते का टाइम बीत जाता है और फाइनली धीरे धीरे जान को होश आने लगता है। और ये वहाँ उसके बगल में यांग था ही, यांग उसके पास आता है, उसे अच्छे से बैठाता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो। जान अपने आसपास देखता है और वो धीरे से सर हिलाता है, हाँ। तो फिर यांग कहता है, अच्छा तुम्हें होश आ गया, तुम्हारी रिकवरी तो ठीक है, काफ़ी बेटर हो तुम। वैसे पहले तुम फटाफट खाना खा लो और मेडिसिन खा लो। वो उसे खिलाता है और हमारा जान प्यारे से छोटे से बेबी की तरह बस चुपचाप फूड खाता है। उसे सच में पेन था क्योंकि वो कोड़े बहुत ही भारी थे और उसे सच में वो अपने दिल में उस एल्डर लैंग को कर्स कर रहा था। वो सच में उसकी बहुत ही ज़्यादा उसे पिटाई करने चाहता था, बट अभी उसकी हालत ऐसी भी नहीं थी कि वो उठ सके, तो वो पिटाई करने का भी प्लान ड्रॉप करता है और चुपचाप बेबीज की तरह खाता है। और फिर यहाँ हमारे प्यारे से वांगजी को भी धीरे 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 होश आ रहा था। वो अपनी धीरे धीरे आँखें खोलता है और यहाँ हमारा प्यारा सवीन उसे ही देख रहा था। उसकी आदत थी, अगर उसे नींद नहीं आती थी तो वो चुपचाप बैठ कर वांगजी को ऑब्जर्व करता था, उसकी ब्यूटी को एडमायर करता था। और अभी भी वो वही कर रहा था, उसे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ था कि वांगजी
अपने होश में आ रहा है। और जैसे ही वो दोनों की आंखें मिलती है, वो शंचली से अपनी आंखें पांगी से चुराते हुए कहता है, तुम्हें होश आ गया। पांगी के पास बहुत दर्द हो रहा था। वो धीरे से अपने सर को हिलाते हुए कहता है, पेन। विशियन की कंडीशन तो बेटर थी और वो जल्दी से उठता है और वांगजी को धीरे से प्रॉपरली बैठाने की कोशिश करता है और फिर कहता है, क्या तुम बेटर हो? मुझे लगा था कि तुम उठोगे ही नहीं। वांगजी को पेन हो रहा था इसलिए विशियन वापस उसे लिटा देता है और वांगजी कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ बट मुझे पेन हो रहा है और पेन हो रहा है। हाँ विशियन कहता है, ठीक है रुको मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। वो हीलर्स को बुलाता है और हीलर्स उसे चेक करते हैं। तब हीलर्स उसे कुछ मेडिसिन देते हैं, फूड खिलाते हैं उसे और वांगजी वापस से सो जाता है। फिर वो विशियन की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, किंग आपकी एम्प्रेस की हालत अब पहले से बेटर है, उन्हें होश आ गया इसलिए अब उनकी सिचुएशन हम संभाल सकते हैं। उनकी रिकवरी रेट नॉर्मली तो ठीक ही है और अब बेटर है इसलिए हमें लगता है कि 2 हफ्ते में वो प्रॉपर चल लेना स्टार्ट कर देंगे। विशियन कहते हैं, अभी भी 2 हफ्ते लगेंगे? तो फिर हीलर्स कहते हैं, हाँ उनके पास थोड़ी सी कमज़ोरी है और ये बहुत ही वियर्ड है। विशियन कहते हैं, ठीक है वैसे अब मेरी मेडिसिन का डोज तुम बढ़ा दो। डॉक्टर्स कहते हैं, बट किंग डोज बढ़ाने से आपकी बॉडी को हार्म हो सकता है। विशियन कहता है, अब मैं 1 हफ्ते से पहले ही बेड पे हूँ और अब मैं बेड पे रहना नहीं चाहता इसीलिए जल्दी से जल्दी मेरे डोज को बढ़ाओ और मुझे ठीक करो ताकि मैं चलने के लायक हो सकूँ। तो फिर डॉक्टर्स किंग की आदेश को टाल तो सकते नहीं थे तो वो कहते ठीक है और फिर वहाँ से वो सब चले जाते हैं। तो हेलो वांगशलवस एंड ये जाना बस। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि क्या होता है। तो ऑलवेज लव वांगशिन एंड ईशान। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।